हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताऊंगा आपको करके पिंक टोन फोटो एडिटिंग। तो सबसे पहले आपको मतलब आपके फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है लाइट रूम। तो सब लाइट रूम डाउनलोड करने के बाद में आपको आपको सिंपली अपनी फोटो जो भी आपको फोटो एडिट करनी है वो आपको लाइट रूम में इम्पोर्ट कर लेनी है। इम्पोर्ट करने के बाद में आपको उस फोटो पर जाना है और जो आपका जो मतलब लाइट्स है उसको हल्का सा बढ़ाना है। लाइट्स के दो ऑप्शन होते हैं, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको हल्का सा बढ़ाना है और सेकंड वाले को आपको मतलब सेकंड वाला आपको फोटो के अकॉर्डिंग रखना है कि बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। इसके बाद में आपको सिंपली जो कलर वाला ऑप्शन है इसमें जाने के बाद में मिक्स वाला टूल है उस पर जाना है और जो दो कलर है एक तो ग्रीन और एक येलो, इन दोनों मतलब जो इनकी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इनको माइनस में 100 माइनस में करना है और जिनकी सेचुरेशन है वो दोनों 40 के अप्रॉक्स रखनी है, दोनों की 40 के अप्रॉक्स रखनी है सेचुरेशन को। जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसको आपको अपने हिसाब से देखना है कि करना है कि नहीं करना है। इसके बाद में आपको सिंपली जो मतलब लाइट रूम में जो प्रोफाइल वाला सेक्शन होता है, लाइट रूम में एक प्रोफाइल का सेक्शन होता है, यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। और आपको सबसे पहले जो आपका प्रोफाइल वाला ऑप्शन है जो आपको इधर ही मिल जाएगा नीचे प्रोफाइल वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो मतलब फेवरेट पर क्लिक करके जो थर्ड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, जो आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको 03 दिख रहा है, जो 03 वाला दिख रहा है इस पर क्लिक करना है फिर से। और आपको एक बार इस फोटो को अपने मतलब मोबाइल के अंदर सेव कर लेना है, इसको फिर वापस से अपन लाइट रूम में इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने ये फोटो अपने मोबाइल में सेव कर लिया। अब इस फोटो को अपन वापस इंपोर्ट करते हैं लाइट रूम के अंदर। ये फोटो मैंने वापस लाइट रूम के अंदर इंपोर्ट कर लिया। अब आपको सिंपली फिर से कलर वाले सेक्शन में जाना है, जो मिक्स टूल होता है उस वाले सेक्शन में जाना है। उसमें जाने के बाद आपको सिंपली सिचुएशन को बढ़ा देना है। सिचुएशन को बढ़ाने के बाद आपको मिक्स वाले टूल में जाना है। रेड और ऑरेंज जो कलर है उनकी मतलब जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको बिल्कुल माइनस का 100 कलर रखना है। फर्स्ट जो दो कलर है और जो ऑरेंज कलर है उसकी भी आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन उसको माइनस का 100 रखना है और सिचुएशन अपने हिसाब से देखनी है। तो अभी जैसे अपने सब्जेक्ट पर पूरा पिंक पिंक हो गया है तो आपको जो यहाँ से अपन को डन कर देना है। यहाँ से डन करने के बाद में जो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है सिलेक्टिव टूल का, उस पर क्लिक करना है। सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद आपको सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली 20 सेकंड का वेट कर लेना है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, आप सिंपली उसको एडिट कर पाओगे। आप देख सकते हैं अपना जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। सिंपली जैसे अपना सिलेक्ट मतलब सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, आपको फिर से कलर वाले ऑप्शन में जाना है और कलर को थोड़ा येलो की तरफ स्लाइड करना है, अपनी फोटो के अकॉर्डिंग करना है, येलो की तरफ स्लाइड करना है। और इसकी जो मतलब टेम्परेचर उसको माइनस में थोड़ा माइनस करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अपना फोटो थोड़ी अच्छी लगे, तो मैं माइनस में करना चाहूँगा इसका टेम्परेचर -4 रख देता हूँ। और जो सेचुरेशन है इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा माइनस में करूँगा, इस बार -5 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपनी फोटो एडिटिंग हुई है आफ्टर बिफोर। ये काफ़ी अच्छी फोटो लग रही है। अब इसमें बिल्कुल पिंक टोन अच्छे से, अगर आप इसको और भी अच्छे से करना चाहते हैं तो मतलब थोड़ा अपने लाइट रूम जो प्रीमियम वर्जन होता है वो होना चाहिए। और आपको लाइट रूम प्रीमियम डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंपली आपको पिंक इसमें थोड़ा और पिंक करने के लिए आपको मिक्स वाले टूल में जाना है और फिर पिंक करना है आराम से, जो लास्ट के दो कलर होते हैं पिंक और वॉयलेट, उन दोनों को करके।